इसको अगर इंडिया से मोहब्बत होती तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों से दोनों को करीब लाता, उनमें एक हमाहंगी पैदा करता और हिंदू मुस्लिम इंतहा पसंदों की मजम्मत करता। लेकिन इसका एजेंडा कुछ और है। ये फिल्मी दुनिया में पीक आउट हो चुका है, अब ये इंडिया की सियासत में दाखिल होना चाहता है, जिसके लिए इसको हिंदुत्व जैसी तंग नज़र और जाहिल पार्टी की खुशामद करना है। मुसलमानों के खिलाफ इसके तमाम इल्ज़ामात झूठ हैं और बेबुनियाद हैं। हम अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि वो मुसलमानों के खिलाफ इसकी नफ़रत अंगेज़ तकरीरों की मजम्मत करें। इसकी लगेसी झूठ और नफ़रत रहेगी, जिसके बारे में आप फैसला कीजिए कि ये सरकारी मुसलमान है या दरबारी मुसलमान है। इसका नाम मुसलमानों वाला है, मुसलमान घर में पैदा हुआ, लेकिन ये अपनी खार में बड़ा बेचैन रहता है। उसकी बेचैनी ये है कि वो तरह तरह से साबित करना चाहता है कि वो मुसलमान नहीं है। कल के और आज के मुसलमान, सरकारी मुसलमान में क्या फ़र्क है, मैं ये देखना चाह रहा था। तो कल का जो सरकारी मुसलमान था, यानी हमारे ज़माने का जो सरकारी मुसलमान था, वो मुसलमानों के मामले में, मुसलमानों पे अगर कोई ज़्यादती हो रही हो तो वो खामोश रहता था। आज का सरकारी मुसलमान जो है वो मुसलमानों को गालियाँ देता है बाकायदा। हर चीज़ जो इस्लामिक है या दूर दूर किसी इस्लामिक चीज़ से ताल्लुक़ है उसके पीछे पड़ जाता है, ये उसको बुरा कहता है, महज अक्सरियत को, हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए। बल्कि हिंदू ख़ुद भी समझते हैं कि ये बहुत ही भोंडे तरीके से ये बात जताना चाहता है कि हम मुसलमान नहीं हैं। तो क्या मुसलमानों जैसे बनना चाहते हो? अरे भाई, कोशिश करो कि वो तुम्हारे जैसे हों इस मामले में, बजाय इसके कि तुम उन जैसे हो जाओ। ईद हुई या बकरीद हुई, उसमें बिल्कुल ये खामोश रहा, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये मुसलमानों को ईद बकरीद की मुबारकबाद दे। गुजरात के जो रॉयट्स हुए थे उसमें ये कह रहा था कि हाँ, वो मोदी ने जो भी किया हो, लेकिन वो तो मुसलमान जो मारे गए वो सेकुलर नहीं थे। फिर क्या कहता है, मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुस्लिम नहीं थे, इसलिए कि वो डिसेंट लोग थे। हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। मेरा नाम अली वारिस है। आज का मौजू इस्लाम के खिलाफ जावेद अख्तर की नफरत अंगेज तकारीर। आज का शेर भी कुछ इसी मुनासिबत से है। बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का, बहुत दिनों से है ये मशगला सियासत का, कि जब जमा हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मुसलमान कई तरह के होते हैं। शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, वहाबी, हनफी, देवबंदी, बोहरे, इस्माइली वगैरह मुसलमान वगैरह मुसलमान। लेकिन हम जब लखनऊ में, यानी हिंदुस्तान में बड़े हो रहे थे, तो मुसलमानों की एक और किस्म से मुतारिफ़ हुए, वो थे सरकारी मुसलमान। सरकारी मुसलमान वो होते थे जो मुसलमानों के मामले में हर बात में सरकार की हिमायत करते थे। साहिर लुधियानवी की तंजिया नज़्म आपने शायद सुनी हो। मैं उन अजदाद का बेटा हूं जिन्होंने पहम देश में अजनबी साए की हिमायत की है। अजनबी साए से मुराद अंग्रेज़ थे, जिनके ज़माने में ये किताब लिखी, नज़्म लिखी गई थी।
मैं नजदाद का बेटा हूँ जिन्होंने पैहम देश में अजनबी साए की हिमायत की है। गदर की सात नापाक से लेकर अब तक हर कड़े वक्त में सरकार की खिदमत की है। इस खिदमत के एवज उनको बहुत से इनामात मिलते थे, बहुत सी मरात मिलती थी। मसलन राज्यसभा में जो कि पार्लियामेंट का अपर हाउस है, उसकी कुछ सीट्स पे नामजदगी, खिताबात, पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह, उनका सरकारी दफ्तरों में असर व रसूख रहता था। अपने दोस्तों की, जानने वालों की नौकरियां करवाते थे, उनको सरकारी नौकरियां दिलवाते थे वगैरह। लेकिन ये मुसलमानों के साथ कुछ भी हो जाए बिल्कुल खामोश रहते थे। उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम फसादात बहुत होते थे, कभी मुसलमानों की गलती से, कभी हिंदुओं की गलती से, लेकिन पुलिस हमेशा हिंदुओं के साथ देती थी, बल्कि हिंदुओं के साथ मिलके मुसलमानों को मारती थी। जिसकी मजम्मत बहुत से सेकुलर हिंदू करते थे, बहुत से सेकुलर हिंदू इसको कंडेम करते थे, पुलिस की ज्यादती को। जैसे जयप्रकाश नारायण थे, सुभद्रा जोशी थी, और दर्जनों हिंदू सहाफ़ी इस बात को कंडेम करते थे, लेकिन मुसलमान खामोश रहते थे, सरकारी मुसलमान। 1970 की दहाई में हम यूनिवर्सिटी ख़त्म करके मुल्क से बाहर चले गए और अभी तक वहीं हैं। और ये सरकारी मुसलमान की इस्तेलाह हम तकरीबन भूल चुके थे कि अचानक अभी चंद माह हुए या एक साल हुआ, हिंदुस्तान में एक किताब छपी जिसका उन्वान ही सरकारी मुसलमान था। ये इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह की खुदनविश सवान हयात थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी या मेमोर्स थे। इतने दिन बाद हमने ये इस्तेलाह सुनी, ये टर्म सुना, तो हम बड़ा महजूज हुए और हमने घूम के देखा कि आजकल सरकारी मुसलमान कौन कौन है और वो कैसी बातें करते हैं। YouTube के जंगल में हमको एक शख्सियत ऐसी नज़र आई जिसके बारे में आप फैसला कीजिए कि ये सरकारी मुसलमान है या दरबारी मुसलमान है। इसका नाम मुसलमानों वाला है, मुसलमान घर में पैदा हुआ, लेकिन ये अपनी खाल में बड़ा बेचैन रहता है। उसकी बेचैनी ये है कि वो तरह तरह से साबित करना चाहता है कि वो मुसलमान नहीं है, तो उसे डर रहता है कि कहीं लोग उसको मुसलमान ना समझ लें, गवर्नमेंट उसको मुसलमान ना समझ ले, या हिंदू मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान ना समझ ले। तो वो तरह तरह की तकरीरें करता रहता है, मुसलमानों को बुरा भला कहता रहता है। हर बात जो इस्लामी है या इस्लाम से मुताल्लिक है उसको बहुत ही भोंडे तरीके से, बड़े क्रूड तरीके से ये बुरा कहता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये वाकई मुसलमानों से इतनी नफरत करता है, लेकिन महज मुतासिर करने के लिए गवर्नमेंट को और हिंदू अक्सरियत को इस तरह की बातें करता है। कल के और आज के मुसलमान, सरकारी मुसलमान में क्या फ़र्क है, मैं ये देखना चाह रहा था। तो कल का जो सरकारी मुसलमान था, यानी हमारे ज़माने का जो सरकारी मुसलमान था, वो मुसलमानों के मामले में, मुसलमानों पे अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो वो खामोश रहता था। आज का सरकारी मुसलमान जो है वो मुसलमानों को गालियां देता है बाकायदा।
जिसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे आज। आप लोग जिस मजहब के भी हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हों, या आप दुनिया में जहां भी रहते हों, हिंदुस्तान में रहते हों या पाकिस्तान में रहते हों या अफगानिस्तान में रहते हों या किसी मगरबी मुल्क में रहते हों, आप ये फैसला कीजिए कि ये वाकई मुसलमानों से इतनी नफरत करता है या ये दिखावे के लिए कर रहा है। आप इसकी तकरीरों के हिस्से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए देखते हैं। एथीज्म ये हर तकरीर में किसी न किसी बहाने कह देता है कि मैं एथीस्ट हूँ। हालांकि जो एथीस्ट हैं वो खामोश रहते हैं सही मानों में, लेकिन ये एथीज्म को इस बात की बुनियाद बनाना चाहता है कि इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस बात की बुनियाद बनाना चाहता है। इसने अपने ट्विटर अकाउंट में भी अपने नाम के आगे एथीस्ट लिखा है और तकरीरों में भी कहता है कि मैं एथीस्ट हूँ, मेरा मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम एन एथीस्ट, और ये मैं छुप के नहीं हूँ, मैं टीवी पे भी बोलता हूँ, अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ, मैंने लिखा भी है, मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, नॉट एट ऑल, आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब इस बात का तो इसको हक है और हर एक को हक है कि वो एथीस्ट हो या खुदा को माने। एथीस्ट यानी दहरिया, नास्तिक हिंदी में जिसे कहते हैं, इसका हर एक को हक है, और मज़हब भी माने ना माने ये भी हर एक का हक है, तो वो तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है। मगर मुझे हैरत होती है कि आई मीट पीपल जो ये कहते हैं साहब पीके में आपने हिंदू धर्म के बारे में तो इतनी लिबर्टी ले ली, मुसलमानों के साथ लेते तो क्या मुसलमानों जैसे बनना चाहते हो? अरे भाई कोशिश करो कि वो तुम्हारे जैसे हो इस मामले में, बजाय इसके कि तुम उन जैसे हो जाओ। उसके बाद ये क्या कहता है कि हिंदू मजहब बहुत अच्छा है, मजहब को मानता नहीं है, मजहब की फिलॉसफी में यकीन नहीं रखता है, एक मिनट कह रहा है कि हिंदू मजहब बहुत अच्छा है। What is so beautiful about Hindu community and Hindu culture, Hindu tradition? वो ये है कि वो इजाजत देता है कि कुछ भी कहो और कुछ भी सुनो और कुछ भी मानो। फिर यहाँ कह रहा है कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए ये इससे पकड़ के आप पूछिएगा। फिर 2019 को में जो जन्माष्टमी के दिन ये हिंदुओं को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दे रहा है, जन्माष्टमी यानी कृष्णा की जो पैदाइश थी, लॉर्ड कृष्ण की जो पैदाइश थी उसकी मुबारकबाद दे रहा है, और कृष्णा के लिए इसने कुछ अशार भी लिखे हैं। लेकिन उस साल जो ईद हुई या बकरीद हुई उसमें बिल्कुल ये खामोश रहा, इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये मुसलमानों को ईद बकरीद की मुबारकबाद दे। अब लॉर्ड कृष्णा की के हम भी एडमायरर हैं, मौलाना हजरत हसरत मोहानी लॉर्ड कृष्णा के एडमायरर थे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी ये दावा नहीं करते थे कि वो एथीस्ट हैं। उसके अलावा अभी कुछ अर्सा हुआ एक क्रिश्चियन चर्च हिंदू इंतहा पसंदों ने गिराया, तो ये बड़ा बेचैन हो गया, इसने बड़ी उसे अच्छी तरह उसे कंडेम किया ये कह के कि मैं अगर एथीस्ट हूँ लेकिन मैं इसको कंडेम करता हूँ। लेकिन बाबरी मस्जिद जब गिराई गई
और उसको इतने फैनफेयर से तोड़ा गया और इतना हंगामा मचा मुल्क में, इतना हंगामा मचा कि लगता था कि इंडिया को पता नहीं क्या हो जाएगा। उसमें ये खामोश रहा, उसमें इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि ये मुंह खोले अपना। और अभी जब 2019 नवंबर में नवंबर में जब सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ बाबरी मस्जिद का फैसला दिया, तो कहने लगा, इससे लोगों ने पूछा तो कहने लगा, अरे हम तो मानते ही नहीं कोई मज़हब, हिंदू मज़हब, मुसलमान मज़हब, ये सब तो नहीं माना जाए तो अच्छा है, तो इसलिए हमारा कोई कमेंट नहीं है। इसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि कहे कि ये गलत फैसला है, जबकि बहुत से हिंदुओं ने उसे कंडेम किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुरा कहा। मुसलमानों ने भी कहा, लेकिन हिंदू भी थे उनका, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। तो लेकिन चर्च की जब बात आई तो उसने कंडेम किया उसको, मुसलमानों के मामले में दूसरी बात बताई इसने। इस तरह के बायसेस जो हैं वो आप देखेंगे इसकी तकरीरों में। But there was a theory 1400 years old developed by an Arab, 14 year old, a tribal. That cannot be changed. That is perfect. दूसरी बात ये कहता है कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है। अब जाहिर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो इंडियन सेकुलर मुल्क है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो और मुल्कों का भी सेकुलर है, पाकिस्तान का भी सेकुलर है, उसमें भी मिनॉरिटीज़ के लिए हर तरह के तहफ़ का गारंटी की गई है। उसको ये सेकुलर नहीं मानता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। ये बात सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, उसकी जो इबारत है वो कुछ अच्छे हिंदू थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी और सरदार पटेल वगैरह, इन लोगों ने इस बात की यकीन दहानी कराना चाहिए कि इंडिया एक सेकुलर। लेकिन क्या वाकई इंडिया सेकुलर है? इंडिया आज़ादी मिलने से पहले बड़ी हद तक सेकुलर था, मुसलमानों के दौर में था, हालांकि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत थी, यानी मिनॉरिटी की हुकूमत थी मेजॉरिटी के ऊपर। आप लिटरेचर देख रहे हैं उस वक्त का, चाहे वो अमीर खुसरो हो, चाहे रसखान हो, रसखान थे बहुत बड़े मुस्लिम शायर थे हिंदी के, अवधी भाषा के, वो कृष्णा की मोहब्बत में उन्होंने नज़में कही हैं, मानुस हूँ तो बसूँ उसी गोकुल में। जो उसके अलावा रहीम खान खाना थे जो अकबर के नौरतन थे, कबीर दास थे, ये सब कबीर तो खैर उनका कुछ पता नहीं था कि मुसलमान हैं या हिंदू हैं, लेकिन वो मुस्लिम पेरेंट्स ने उनको पाला था। और उसके अलावा बहुत हिंदू थे जो मुसलमानों के की तरह शायरी करते थे, और बहुत से मुसलमान थे उनके, अकबर बादशाह था या और भी जितने बादशाह गुजरे हैं सब खासे प्रो हिंदू थे। हो सकता है उस वक्त भी कुछ हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हों, लेकिन इस स्केल पे नहीं होते थे जैसे आज़ादी मिलने के बाद जो हुए। तो आज़ादी मिलने के बाद बिल्कुल तब्दीली आ गई, इंडिया का जो सेकुलर नेचर था वो ख़त्म हो गया इन प्रैक्टिस, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था वो अलग था। वो जो एक मिली जुली तहजीब थी आज़ादी मिलने से पहले,
वो ज़्यादातर उसी ज़माने में साम देखने में आई जब आज़ादी नहीं मिली थी अंग्रेज़ों के ज़माने में या मुग़लों के ज़माने में। आज़ादी मिलते ही इंडिया के जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनका रंग नज़र आने लगा। उसमें सरवाकर थे, अंबेडकर थे और ग्रू ग्वालकर थे। उनकी जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, ये धीरे धीरे सामने आने लगी। अब ये जब बोलता है तो ये हमेशा जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करता है कि जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की और हमारा मुल्क तो सेकुलर था। ये नहीं कहता है कि ग्वालकर का नाम, गुरु ग्वालकर का नाम नहीं लेता जिसने कहा था कि हिंदू के अलावा इंडिया में जो नॉन मुस्लिम, नॉन हिंदूज हैं वो इंडिया के दुश्मन हैं, यानी सिख, ईसाई, मुसलमान, ये इंडिया के दुश्मन हैं। ये उसकी फिलॉसफी थी, जनसंघी फिलॉसफी। अब ये बातें जब सुनता है तो कहता हाँ कुछ लोग थे जो कि ऐसे थे, इंतहा पसंद थे, लेकिन इंडिया जो है ना वो सेकुलर है, ज़्यादातर लोग सेकुलर हैं। ऐसा नहीं है। इसने देखा कि मोदी को इतनी बड़ी तादाद में बिठाया गया है सरकार में कि वो छोटे लोग नहीं हैं। वो जो जो बिल पास हुए हैं अभी, ये एक तरफ 81 वोट मिले हैं, दूसरी तरफ 311 वोट मिले हैं। और मोदी का प्राइम मिनिस्टर होना ही जनसंघ पार्टी का जो आरएसएस है ब्रांच, उसका बरसर इख्तदार आना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी अलामत है कि इंडिया सेकुलर नहीं है, वरना कैसे आ सकता है मेजॉरिटी के उसमें। आप यूपी के चीफ मिनिस्टर की बात सुन लें जो इसी पार्टी का है। यूपी के चीफ मिनिस्टर कहता है कि जितनी उसने मुस्लिम दुश्मन बातें की हैं 2009 की कैंपेन में, वो कह रहा है कि अगर एक हिंदू लड़की कन्वर्ट होती है, इस्लामिक मज़हब जो है कबूल कर लेती है, मुसलमान बन जाती है, तो हम 100 मुसलमान लड़कियों को हिंदू करेंगे ज़बरदस्ती। ये उसने कहा, ये इंडिया का, ये यूपी का चीफ मिनिस्टर है। अभी जो दिसंबर और जनवरी फरवरी में जो रायट्स हुए हैं इंडिया में, इसमें ज़्यादातर लोग जो मारे गए हैं पुलिस की गोली से वो मुसलमान थे। और ये यूपी का चीफ मिनिस्टर लखनऊ, यूपी के असेंबली में, लखनऊ में खड़े होकर कहता है कि उन लोगों को तो मरना था तो मर गए वो। फिर एक आदमी को इस बात पे मारा गया कि उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि ये गाय का गोश्त बेच रहा है या खा रहा है, लिए जा रहा है। उसको इतना मारा कि मर गया वो। मरने से पहले उसने वीडियो बयान दिया, वीडियो पे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने उसको मारा था, उनके नाम बताए, उसका वीडियो स्टेटमेंट मौजूद था और कई गवाह मौजूद थे। उसके बावजूद ये 3-4 आदमी जिन्होंने उसको मारा था छोड़ दिए गए, अदालत ने छोड़ दिया बेनिफिट ऑफ द डाउट के उसमें। इतना, ये अदालत है इंडिया की, ये अदालत है, इतनी बायस्ड अदालत है। उसको छोड़ें, आप सुप्रीम कोर्ट को देख लें, सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग दे रही है, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट, तो लगता है कि ये गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है। अभी बाबरी मस्जिद के लिए जो वर्डिक्ट आया है वो किसी तरीके से सेकुलर नहीं है, उसने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है। ये आदमी कहाँ था 6 दिसंबर 1992 को, 1992 में, जब
पूरे एक मॉब ने, लाखों आदमियों का मॉब, उसने जाके बाबरी मस्जिद को तोड़ा है, उस पर चढ़ के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के ऑर्डर के अगेंस्ट वो पुलिस खड़ी रही, पुलिस खड़ी देखती रही, पुलिस भी शामिल हुई इसमें मस्जिद को तोड़ने में, और ये कहता है कि इंडिया सेकुलर है। फिर अभी और सुप्रीम कोर्ट के जो बयानात आए हैं उनको आप सुनिए, बताइए कि ये सबसे बड़ी अदालत इंडिया की वो इस तरह के एंटी मुस्लिम बयानात दे रही है, वो सेकुलर है, उसको कहता है सेकुलर है, ये इसका हाल है। और फिर ये उसका मुकाबला करता है पाकिस्तान से। ये कहता है कि पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं उनको हर वक्त कंडेम करता रहता है, पाकिस्तान को तो हर 5 मिनट बाद ये कंडेम करता है। अब ये देखिए, यहाँ कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, ये इंडियन हो के कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, जैसे इंडिया में कुछ नहीं, इंडिया दूध का धुला है, इंडिया में कोई करप्शन नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको मशवरा दूंगा, हिंदुस्तान में बड़ा करप्शन है, बड़ी गड़बड़, एक सोचिए, मुझे जुमला कंप्लीट, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान चले जाइए, वापस आएंगे तो इस धरती को चूमेंगे। ये जो कॉन्स्टेंट, ये जो टेररिज्म और स्पॉन्सरिंग टेररिज्म चलता रहता है, उसे कितना भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी इनकार करे, वो तो एक खुली सी बात है कि करते हैं वो। वहाँ इंडिया में, पाकिस्तान में मिनॉरिटीज जो है ना वो खुश नहीं है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ोस में है मिसाल, कि जब कहा गया था मुसलमानों से कि तुम तो खतरे में हो, तुम्हें तो अलग मुल्क चाहिए, तुम्हारा एक मुल्क होना चाहिए जिसमें लिखा हो इस्लामी मुमलकत, तभी तुम सेफ रहोगे, तो मुल्क बना। वहां तो हिंदुओं को, दूसरी माइनॉरिटीज को बेहवास कर दिया गया, आज वहां पता नहीं वहां कितने हैं और किस हाल में हैं। तो वहां जो मुसलमान हैं वो सब बड़े आराम से हैं ना, उनको सब आजादी है, उनको अपना अधिकार मिलता है। जवाब है नहीं। इस बुरे वक्त में भी आज मेरे पास और आपके पास जितनी आजादी है वो पाकिस्तान के एक आम मुसलमान के पास नहीं। किसी बात का कोई सबूत नहीं देता है, आदमी समझता है कि ये जिस तरीके से ये जो कहे लोग मान लें। अब इंडिया से, इंडिया के भड़काने से, तो इस तरह की बातों से 5,000, कहा जाता है कि 5,000 हिंदू पाकिस्तान से इंडिया गए, उनके साथ क्या असर हो रहा है, उनका क्या असर हो रहा है, उनको इतना आइसोलेशन में रखा गया है कि जैसे वो दलित हों। वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। हजारों क्रिश्चियंस उनको मारा जाता है, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है हिंदू बनाने के लिए। वो कहता है कि सेकुलर है इंडिया में, इंडिया की पॉलिसी सेकुलर है। फिर ये झूठ बोलता है। देवबंद के लिए कह रहा है कि वहां 10,000 रुपए में, 20,000 रुपए में फतवा दे देते हैं, वो इतने करप्ट हैं। आई थिंक लास्ट ईयर और ईयर बिफोर लास्ट, सम चैनल हैड डन वन स्टिंग जॉब वेयर दे हैड गॉन टू सम मुफ्तीज एंड मौलवीज एंड ब्राइब देम फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फतवा, and the bribe was in some cases 20,000, in some 10, in some 5, some 25, but not above 25,000. कोई सबूत उसका नहीं है, कहीं जरा सा उसे नहीं सबूत दिया। इसको ये नहीं मालूम कि अगर 20,000 रुपए में फतवा मिल जाता तो इसके ऊपर, इसके खिलाफ वही फतवा होता जो ईरान ने सलमान रुश्दी के खिलाफ दिया है,
क्योंकि कोई भी 20,000 दे देगा इसके खिलाफ फतवा लेने के लिए, लेकिन बस भूल गया आके कि मतलब वो इतना करप्ट है देवबंद, इतना ये झूठा है। मोदी सरकार में 2002 में जो रॉयट्स हुए थे, जब मोदी चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, उसमें 1,000 मुसलमान 2-3 दिन के अंदर मार दिए गए, और लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह ने अपनी किताब सरकारी मुसलमान में लिखा है कि उनको जब भेजा गया आर्मी का हेड बना के फसादात कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पुलिस तो हिंदुओं का साथ दे रही थी बलवाइयों का, तो वो मोदी ने उसे कोई काम नहीं करने दिया, आर्मी के हेड को कोई काम नहीं करने दिया, न गाड़ी दी न कोई सहूलतें दी 2 दिन तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान मार दिए जाएं। और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने देखा कि पुलिस जो है खिड़कियों के अंदर मुस्लिम घरों में फायरिंग कर रही है, तो उन्होंने पूछा कि क्यों कर रहे हैं फायरिंग, उनका कि हम बल्बे कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं को कंट्रोल कर रहे हैं, फसादियों को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका फसाद तो उधर हो रहा है, तुम घर के अंदर क्यों फायर कर रहे हो, वो मुसलमानों के घर थे। पुलिस ने, गुजरात की पुलिस ने उन मुसलमान पुलिस वालों के घर जला दिए जो ड्यूटी पे थे, उनके घर जलाए, सब पहले से आइडेंटिफाई किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने 10 सरकारी मुसलमान नाम की एक किताब लिखी है। हम उनसे इस पूरे वाकये के बारे में, गुजरात दंगों के दौरान क्या हुआ और उनकी किताब के बारे में बातचीत करेंगे। तो मैंने देखा कि दंगे जो हैं माइनॉरिटी एरिया पॉकेट्स में को घेर रखा है, पुलिस जो है खिड़की के अंदर फायर कर रही है, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम दंगों को अलग दंगाइयों को काबू करें। मैंने फिर फायर उधर करी, आप अंदर क्यों मार रहे हैं गोली, तो फिर उनको काफी शर्म हुआ इससे। तो मैंने देखा कि पुलिस जो है बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस जो थी उन्होंने कोई कार्रवाई रायटर्स के खिलाफ नहीं की, जब कभी रायटिंग मॉब आती थी तो वो कहते थे साहब हमें कहीं और जाना है और फौज के ऊपर छोड़ देते थे, यानी उन्होंने कभी रायटर्स का सामना नहीं किया। जो चंद माइनॉरिटी कम्युनिटी के पुलिस वाले थे उनके घर भी जला दिए पुलिस लाइंस में, तो बिल्कुल पेरोकियल और वन साइडेड पुलिस की कार्रवाई थी। अभी फरवरी 2020 में जो दिल्ली में रॉयट्स में, उसमें दर्जनों मुसलमान मारे गए, कुछ हिंदू भी मारे गए, लेकिन पुलिस ने बलवाइयों का साथ दिया, हिंदू इंतहा पसंदों का साथ दिया और मुसलमानों को मारा गया। पुलिस, आप वीडियो देखिए, पुलिस डंडे मार रही है एक दो मुसलमान लड़कों को कि तुम नेशनल एंथम गाओ इंडिया का। अब वो हरेक जाहिर है कि वो कहाँ का नेशनल एंथम गाएंगे, यही का गाएंगे, लेकिन वो मार रहे हैं उनको, इस बहाने मार रहे हैं। वो फैजान लड़का था, उसकी इसी में डेथ हो गई, मार मार के उसको पुलिस ने मारा, पुलिस के डंडों से। ये सेकुलर कह रहा है, सेकुलर कह रहा है। गुजरात के जो रॉयट्स हुए थे उसमें ये कह रहा था कि हाँ वो मोदी ने जो भी किया हो, लेकिन वो तो मुसलमान जो मारे गए वो सेकुलर नहीं थे। This was a question which was posed to you, and the question was in the Times of India, what should ordinary Muslims do? And you responded, you said they're really in an unenviable position. All they can do is really hope to survive in places like Gujarat. Muslims must understand that though many have been butchered in Gujarat, this is not a Hindu-Muslim problem. They must understand that it is a clash of secularism and democracy versus fascism and intolerance. They have to improve their lot by lending strength to secular forces and by becoming more secular themselves. बेगैरती की इंतहा है कि 3-4 साल के बच्चे जो मारे गए उसमें कह रहा है कि सेकुलर नहीं थे वो। इतना बड़ा खुशामदी, इतना बड़ा दरबारी, तो मेरे ख्याल में कोई इंडियन मुसलमान पैदा ही नहीं हुआ है, मुसलमान घर में नहीं पैदा हुआ है।
फिर क्या कहता है, मेरे पेरेंट्स जो थे वो मुस्लिम नहीं थे, इसलिए कि वो डिसेंट लोग थे। जावेद साहब, आई'd लाइक टू बिगिन विद समथिंग अनसेफ, व्हिच इज द मेकिंग ऑफ यू। यू वर बोर्न इनटू अ इस्लामिक फैमिली एंड कल्चर, एंड टुडे यू आर एन एब्सोल्युटली अनफ्लिंचिंग आई वुड से ऑलमोस्ट अ फंडामेंटलिस्ट एथियस्ट। What made you an atheist? What made you reject your own culture and religion and embrace atheism? If the question is, first of all, I'll have to explain about my parents. They are dead. Please be, don't be so unkind to them. They had nothing to do with Islamic culture. They were decent people. इसके कहने का मतलब ये है कि जो decent होता है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। अपने पेरेंट्स के लिए कह रहा है, और उनकी डिसेंसी ये थी कि इसके पेरेंट्स ने इसको अबैंडन कर दिया था। हर एक जानता है कि जानिसार अख्तर जो थे वो बंबई में रहते थे, ये उसके घर नहीं जाता था, ये सड़कों पे सोता था, कभी दुकानों पे सोता था, इसके पास घर नहीं था रहने का, लेकिन ये अपने बाप के घर नहीं जा सकता था, इतने डिसेंट थे बाप इसके। तो इसका कैरेक्टर भी अजीब है, कभी ये झूठ बोलता रहता है, कोई अपनी सही बात नहीं कह सकता है। और जहाँ तक मुस्लिम कंट्रीज़ का ताल्लुक है, पाकिस्तान के लिए तो खैर ये हर वक्त झूठ बोलता रहता है, जिना की बुराई करता रहता है हर वक्त। हालांकि जिना ने गुरु ग्वालकर के और ये अंबेडकर वगैरह के 30 साल के बाद टू नेशन थ्योरी पेश की है, उससे पहले हिंदू थिंकिंग ही यही थी। आज़ादी मिलने के बाद तो बिल्कुल ये हिंदू मैंटेलिटी खुल के आ गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में सब हिंदू ऐसे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे हिंदू भी हैं। मैं तो इंडिया में पला बढ़ा और मेरे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे बड़ा प्यार था हिंदू मुस्लिम तहजीब जो थी उससे। लेकिन ये कहना कि वो चंद लोग थे जो बलवा करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। इंडिया की अक्सरियत जो है, मेजॉरिटी जो है हिंदुओं की, वो मोदी की फॉलोअर है, जैसा कि इलेक्शन से जाहिर होता है। और अब ये जब उनको अपनी सरकार मिली तो वो खुल के आ गए सामने। अब ये इसका ये आलम है कि इसको घर तक नहीं ख़रीदने दिया, इसको इसकी बीवी को घर नहीं इंडिया बॉम्बे में ख़रीदने दिया कि मुसलमान था। ये देखिए इसकी बीवी का बयान सुनिए। करण, आई कांट गेट अ हाउस इन बॉम्बे, आई वांटेड टू बाय अ फ्लैट इन बॉम्बे एंड इट वाजंट गिवन टू मी बिकॉज आई वाज अ मुस्लिम। आई रेड द सेम थिंग अबाउट सैफ ना, आई मीन इफ जावेद अख्तर एंड शबाना आजमी कैन नॉट गेट अ फ्लैट इन बॉम्बे बिकॉज दे आर मुस्लिम्स, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। ये अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, बहुत पढ़ा लिखा समझता है, बड़ा जैसे दुनिया की सारी फिलॉसफी सारी साइंस इसको आती है। पहले तो आप ये देखिए कि इसको साइंस कितनी आती है। ये कह रहा है कि 12 क्रोमोसोम होते हैं इंसानों में, 12 क्रोमोसोम होते हैं। ये माँ के पेट में जब 12 क्रोमोसोम बाप के और 12 क्रोमोसोम माँ के मिले, जिनके एक एक क्रोमोसोम के अंदर जनरेशन भरी हुई थी, पीढ़ियां भरी हुई थी, इतना हाई स्कूल के बच्चे को भी मालूम है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 क्रोमोसोम माँ की तरफ से आते हैं और 23 क्रोमोसोम बाप की तरफ से आते हैं। तो इसको हाई स्कूल की साइंस भी नहीं आती है। दूसरी बात यह है कि एथीस्ट होना कोई गलत बात नहीं है, बहुत से लोग एथीस्ट हैं, और ये समझता है कि आपको इंटेलेक्चुअल बनने के लिए, दानिश्वर बनने के लिए एथीस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन वो एथीस्ट जो हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं और साइंस बहुत पढ़ी हुई है उन्होंने, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो एथीस्ट नहीं हैं, वो एग्नोस्टिक हैं। वो कहते हैं कि जब यूनिवर्स का 97% 97% कायनात जो है तो हमसे छुपी हुई है, सिर्फ 3% जो कुछ कायनात हम देख रहे हैं ये सिर्फ 3% है,
तो हम कैसे फैसला कर सकते हैं कि हम एथीस्ट हैं या मजहबी हैं? बर्टन रसल के आर्गुमेंट्स देखिए इसमें क्या है। फिर क्या कहता है कि यहां देखिए क्या कह रहा है कि करोड़ों लोग दुनिया के, अरबों लोग जो कि 21वीं सदी में या 20वीं सदी में मजहब मानते हैं, वो सब बेवकूफ हैं। Anybody who is educated in 20th century, educated and has religious belief, is a sick person. यानी इसमें प्रोफेसर सलाम भी हैं जो कि मजहबी थे, अच्छे खासे मजहबी थे, और फ्रांसिस कॉलिंस जिसने पूरा जीनोम दरियाफ्त किया, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ डायरेक्टर रह चुका है, जो जीनोम प्रोजेक्ट का डायरेक्टर रह चुका है, जिन्होंने 20,000 जीन्स दरियाफ्त किए हैं। कोई क्या काम करता है, वहीं वर्जीनिया में रहता है, और वो बड़ा पक्का क्रिश्चियन है, वो हर संडे को चर्च जाता है और वही सारी बातें करता है जो क्रिश्चियंस करते हैं। तो वो कुछ नहीं है इसके आगे। ये बहुत हाई स्कूल की साइंस पढ़ के ये बड़े अकलमंद हो गए हैं और बड़े ये दानिश्वर हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं। मुझे हैरत ये होती है कि इंडिया में कैसे लोग इसको कबूल करते हैं। इंडिया में एक से एक दानिश्वर पढ़ा हुआ है, एक से एक साइंटिस्ट पढ़ा हुआ है, वो ऐसे बेवकूफ आदमी की बातें सुनते हैं और खामोश क्यों रहते हैं? मौका परस्त है। इंडिया में बैठ के ये मुसलमानों की बुराई करता है क्योंकि इससे गवर्नमेंट खुश होती है, इससे अक्सरियत हिंदुओं की खुश होती है, तो ये वो एंजॉय करता है। लेकिन जब मुसलमानों में बैठता है, ये जब मुशायरों में आता है, अमेरिका जाता है या यूरोप जाता है मुशायरों में, वहाँ ऐसा नहीं कि ये अमेरिकन से मिलता हो या ब्रिटिशर से मिलता हो, नहीं, वहाँ बैठता है मुशायरों में, वहाँ इसकी हिम्मत नहीं होती है कि ये एक लफ्ज बोले मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका क्या हशर किया जाएगा। वहाँ सिर्फ अपने गज़लें सुनाता है, नज़में सुनाता है और उसमें हीरो बना घूमता है। उस वक्त इसके मुंह से निकलता नहीं एक, आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दिए जहाँ इसने बैठ के मुसलमानों की बुराई की हो, जो इंडिया में करता है बैठ के। इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है ये, वहाँ पैसे बटोरने जाता है, पाकिस्तान जाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान में कभी इस तरह की कोई बात नहीं करता है क्योंकि मालूम है इसका कैशर होगा वहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान वाले आने क्यों देते हैं उसके। ये मैं पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस से पूछना चाहता हूँ कि ये आदमी जिसका कोई कैरेक्टर नहीं है, जो वो पाकिस्तान की इतनी बुराई करता है, हर 5 मिनट बाद ये सरकार के खुशामद में पाकिस्तान की बुराई करता है, और फिर जाता भी है पाकिस्तान, वहाँ पैसे मिलते हैं इसको, तो ये क्यों है ऐसा? तो आप तय कीजिए कि ये क्या है, सरकारी मुसलमान है या दरबारी मुसलमान है? आपके कमेंट्स का, आपके तबसरे का इंतजार रहेगा। थैंक यू।